इस कहानी की शुरुआत एक एलियन से होती है जो अपने बेटे को एक मैसेज भेज रहा होता है। वो मैसेज में बताता है कि हजारों साल पहले चेरनो नाम का एक एलियन जो ग्रहों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेता था, उसने पृथ्वी पर हमला कर दिया। लेकिन पृथ्वी के एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नाम फेलो था, उन्होंने चेरनो का सामना किया। जीत उनकी मुट्ठी में थी, लेकिन तभी चेरनो अपने सबसे पावरफुल वेपन जिसका नाम वेब हीटर था, उसे मैदान में उतार दिया, जिससे वो लोग हारने लगे क्योंकि वेब हीटर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को नष्ट कर देता था। ये देखकर फेलो ने चेरनो से लड़ने के लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की एक टीम बनाई जिनके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। फेलो ने इस टीम की मदद से चेरनो को हरा दिया और चेरनो का सिर्फ क्रैश होकर चांद से टकरा गया और जिसकी वजह से चांद के कई टुकड़े हो गए। चेरनो का सिर्फ क्रैश होकर वापस पृथ्वी पर आ गिरा और उसे पृथ्वी के कोर में ही कैद कर लिया गया। इस प्रकार हुए इस खतरनाक युद्ध के बाद पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से चेंज हो गया और पृथ्वी पर बाढ़, सूखा और बीमारियां फैलने लगी, जिसे देखकर गैलेक्टिक काउंसिल, जो पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक सिविलाइजेशन को कंट्रोल करता था, उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे विकसित सिविलाइजेशन को इंसानों की मदद करने के लिए भेजा। अब कई सालों के बाद पृथ्वी पर तीन ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। अब धीरे धीरे चेरनो की पावर भी खत्म हो रही है और जल्द ही वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तब वो उसके पास आएगा, क्योंकि वो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी का गार्ड है। और इसके बाद वो ये मैसेज अपने बेटे को सेंड कर देता है। अगले सीन में हम एंटोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पानी की लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर खड़ी एक वेलाया नाम की एलियन एक खंभे को गिराकर एंटोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनी इस हमले में बाल बाल किसी तरह बच जाता है। इसके बाद हम पृथ्वी के कोर में कैद चेरनो को देखते हैं जो वेब हीटर बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर वेलाया आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलाया कोई और नहीं बल्कि चेरनो की बेटी होती है और वो एंटोनी को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि चेरनो एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना रहा होता है जिसमें पृथ्वी के कुछ खास लोगों के बॉडी के प्रोटीजीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक एंटोनी भी होता है। चेरनो वेलाया से कहता है कि उसके पास अब सिर्फ दो ही वेब हीटर बचे हैं और जब ये खत्म होंगे तो इन्हीं के साथ वो भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले ही उसे कुछ करना होगा और किसी भी हालत में उसे प्रोटीजीन को लाकर उसे देना ही होगा। ये सुनकर वेलाया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक बड़े से स्टेडियम को देखते हैं जिसमें कुछ प्लेयर वेब हीटर को पकड़ने का खेल खेल रहे होते हैं। दरअसल अगर वेब हीटर को 5 टाइम किक किया जाए तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और इसीलिए फेलो ने इस स्टेडियम को ठीक चेरनो के शिप के ऊपर बनाया होता है और उस वेब हीटर को किक करने का एक गेम बना दिया होता है ताकि जब भी चेरनो पृथ्वी पर तबाही मचाने के लिए वेब हीटर को लॉन्च करे तो स्टेडियम में मौजूद प्लेयर खेल खेल में उस वेब हीटर को किक करके डीएक्टिवेट कर दे। शहर में इस गेम का क्रेज इतना ज्यादा होता है कि लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर इस गेम को देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोनी को देखते हैं जो एक दुकान में जॉब मांगने के लिए जाता है, लेकिन शॉप ओनर वहाँ लाइव चल रहे गेम को देखने में बिजी होता है और वो एंटोनी को वहाँ से चले जाने को कहता है, जिससे एंटोनी को गुस्सा आ जाता है और उसका शॉप ओनर के साथ वहीं झगड़ा हो जाता है। शॉप ओनर एंटोनी को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम कॉस्मोबॉल गैलेक्टिक लीग को देखते हैं जहाँ पर दो टीमें खेल रही होती है। एक टीम पृथ्वी की तरफ से खेल रही होती है जिसमें सिर्फ इंसान होते हैं और दूसरी टीम एलियन प्लेनेट के लिए खेल रही होती है जिसमें सिर्फ एलियन होते हैं। अब मैच बहुत रोमांचक चल रहा होता है और इंसानों की टीम लगभग जीतने ही वाली होती है कि तभी एक एलियन जिसका नाम टोनी होता है, वो अद्भुत तरीके से खेलते हुए कॉस्मोबॉल को एक किक कर देता है जिससे एलियनों की टीम जीत जाती है और इंसानों का हार का सामना करना पड़ता है। इस समय में ये गेम इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि पृथ्वी के सभी लोग अपने घरों में इसे देख रहे होते हैं। इसके बाद हम चेरनो को देखते हैं जो वेब हीटर बना रहा होता है। तभी वहाँ के गार्ड अपनी बड़ी बड़ी मशीनों से उस वेब हीटर को चेरनो से छीन लेते हैं और उसे डीएक्टिवेट करने के लिए प्लेग्राउंड की तरफ भेजने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वेब हीटर को ग्राउंड की तरफ भेज पाते, चेरनो उसकी मदद से उन सारे मशीनों को तोड़ देता है और उन सारे गार्ड्स को वहीं मार देता है और उस वेब हीटर की मदद से अपने सेल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक एलियन किसी तरह वेब हीटर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो उसे ग्राउंड की तरफ भेज देता है और वो इस बात की जानकारी फेलो को भी दे देता है। इस समय तक फेलो ग्राउंड में ही होते हैं। वो ये खबर सुनते ही वहाँ की दोनों टीमों को जल्दी से रेडी होने को कहते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अब तक वेब हीटर भी ग्राउंड में आ चुका था और इसके बाद दोनों टीम वेब हीटर को किक करने में लग जाती है। वहाँ उन दोनों टीमों के बीच एक रोमांचकारी मैच होता है और पृथ्वी की तरफ से खेल रही नताशा के एक शानदार किक के साथ पृथ्वी आज पहली बार फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती है और वेब हीटर डीएक्टिवेट होकर एक अंधेरी जगह पर गिर जाता है जहाँ पर उसी की तरह बहुत से डीएक्टिवेट वेब हीटर पड़े होते हैं। ये देखकर चेरनो आग बबूला हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के हर कोने से लोग ये गेम देख रहे होते हैं और वो आज पृथ्वी के जीतने पर बहुत खुश होते हैं। अब हम एंटोनी को देखते हैं जो उदास होकर शहर में ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी की टीम में एक प्लेयर की जरूरत है, लेकिन एंटोनी को इस अनाउंसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि इस गेम में ही उसे कोई रुचि नहीं थी। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है
जहाँ पर वो अपनी मॉम को नीचे गिरा हुआ पाता है, क्योंकि उसकी मॉम को वो गेम बहुत पसंद होता है और इसीलिए वो पूरा दिन बस गेम देखती रहती थी, जिससे उनकी हालत और भी खराब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एंटोनी अपनी मॉम के लिए दवाई लेने एक मेडिकल शॉप पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि शॉप बंद हो चुका है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो शॉप का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और वो वहाँ से दवाइयाँ चुराने लगती है। ये देखकर एंटोनी भी शॉप के अंदर चला जाता है और अपनी मॉम की दवाइयाँ लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों भागने लगते हैं और बहुत मुश्किल से किसी तरह वो दोनों वहाँ से भागकर एक तहखाने में आ जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की उसे अपना नाम आनिया बता, वो एंटोनी से कहती है कि उसे कॉस्मोबॉल गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर एंटोनी बहुत खुश होता है, क्योंकि कॉस्मोबॉल गेम उसे भी पसंद नहीं होता है। इसके बाद ये दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और कुछ ही समय में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ से एंटोनी चला जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद आनिया अपने रियल रूप में आती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आनिया कोई और नहीं बल्कि चेरनो की बेटी वेलाया होती है। उसने चुपके से एंटोनी से उसके बालों का कुछ अंश प्राप्त कर लिया होता है, जिसे वो चेरनो को दे देती है। चेरनो ये देखकर बहुत खुश होता है और वो एंटोनी के डीएनए को अपने फॉर्मूले से मिलाकर एक सीरम तैयार कर लेता है। और जब वो इस सीरम को अपने वेपन पे लगाता है तो वो कुछ समय के लिए एक्टिवेट हो जाता है, पर फिर तुरंत ही वो डीएक्टिवेट भी हो जाता है। इस बात से चेरनो को बहुत गुस्सा आता है और वो वेलाया को सख्त हिदायत देता है कि इस बार किसी तरह एंटोनी को मार दो और उसके प्रोटोजीन जल्द से उसे ला कर दे। इसके बाद हम एंटोनी को देखते हैं जो अपने घर पे आ जाता है, लेकिन वहाँ पर फेलो भी अपनी टीम के साथ आया होता है, जो एंटोनी को अपने टीम के फोर्थ प्लेयर के रूप में लेना चाहता है, क्योंकि एंटोनी के पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। इसके बाद एंटोनी अपनी मॉम को ठीक करने की शर्त पर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। एंटोनी फेलो के साथ ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर वो उतने सारे हाईटेक टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन एंटोनी को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एक दिन जब एंटोनी नताशा के साथ अपने घर पर होता है, जहाँ पर नताशा एंटोनी की मॉम का इलाज कर रही होती है, कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो एंटोनी को एक डिवाइस देकर बताता है कि आनिया तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर एंटोनी आनिया के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर आनिया उसे अपनी बातों में फंसा कर उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और उससे कहती है कि तुम्हें कॉस्मोबॉल गेम बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए इस लकड़ी को ले जाकर कॉस्मोबॉल ग्राउंड में छोड़ देना, जिससे पूरा कॉस्मोबॉल गेम बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नताशा आ जाती है, जो एंटोनी को लेकर वहाँ से कॉस्मोबॉल ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पर आज इनका एमेजोनियन के साथ मैच होना था। अब यहाँ पर एंटोनी चुपके से आनिया द्वारा दिए गए लकड़ी को गिरा देता है और गेम में इंटर कर जाता है। वहाँ के सभी लोग एंटोनी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एंटोनी टीम का नया मेंबर होता है। लेकिन जब गेम स्टार्ट होती है तो एंटोनी एक भी गोल नहीं करता है, सिर्फ एक जगह बैठा रहता है। ये देखकर सब उसे बुरी तरह से ट्रोल करने लगते हैं, लेकिन एंटोनी फिर भी स्टेडियम में चुपचाप बैठा होता है। तभी एक कॉस्मिक बॉल तेजी से एंटोनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो बॉल एंटोनी को हिट करती, फेलो सभी कॉस्मिक बॉल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। दरअसल ये कॉस्मिक बॉल रियल नहीं होती है, बल्कि प्लेयर्स के प्रैक्टिस के लिए होलोग्राफिक से बनाई गई होती है। फेलो द्वारा बॉल को डीएक्टिवेट करने और गेम को बीच में ही बंद करने पर सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं। इसके बाद फेलो एंटोनी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एंटोनी उसके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसने उससे झूठ बोला है कि वो उसकी मॉम का इलाज करेंगे। ये सुनकर नताशा एंटोनी को एक होलोग्राफिक वीडियो दिखाती है, जिसमें वो देखता है कि उसकी मॉम पूरी तरह से ठीक है। और इसके बाद नताशा एंटोनी को समझाती है कि वो उसकी मॉम का इलाज कर रहे हैं और वो अब पहले से बहुत बेहतर हालात में है। ये सुनकर एंटोनी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद वो फेलो के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फेलो उसे लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे डीएक्टिवेट कॉस्मिक बॉल होती है, और वहां पर वो एंटोनी को सारी सच्चाई बता देता है कि असल में जिसे वो सिर्फ एक गेम समझ रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। वो एंटोनी को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार चेनो नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने खोज से शक्तिशाली हथियार को बनाने लगा और उसने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया, और कैसे वो तारों के ऊर्जा को अपने आविष्कारों के लिए इस्तेमाल करने लगा, जिससे कई ग्रह तबाह हो गए। इस पर एंटोनी फेलो से पूछता है कि जब चेरनो वेब हीटर से लगातार हमला कर रहा है और बहुत से सिपाहियों की जान ले रहा है, तो आप लोग उसे मार क्यों नहीं देते। इस पर फेलो उसे बताता है कि वो उसे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसका सेप फट जाएगा, जिससे इस ग्रह के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। तभी वहाँ फेलो को एक मैसेज आता है कि एक मिनट में वेब हीटर स्टेडियम तक पहुँचने वाला है। ये बात सुनते ही एंटोनी को याद आता है कि उसने जिस जहरीली लकड़ी को स्टेडियम में छोड़ा है, अगर उसने अपना काम शुरू कर दिया तो वहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है और वो किसी तरह जल्दी से स्टेडियम में पहुँचता है, और वहाँ वो देखता है कि लकड़ी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे पूरा स्टेडियम इन्फेक्टेड होता जा रहा था। इसके बाद हम फेलो को देखते हैं जो सभी प्लेयर को रेडी होने को कह रहे होते हैं,
क्योंकि अब सिर्फ 15 सेकंड में वेबिटर स्टेडियम में आने वाला होता है। ये सुनकर सभी प्लेयर अपने पोजीशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोनी को देखते हैं जो भागकर स्टेडियम में आता है और लोगों को बताने की कोशिश करता है कि स्टेडियम इन्फेक्टेड हो रहा है, लेकिन सभी गेम देखने में बिजी होते हैं इसलिए एंटोनी की बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन किसी तरह एंटोनी फेलो को बता देता है कि स्टेडियम इन्फेक्टेड हो रहा है और जब फेलो ये देखता है तो वो अपने वॉर से उस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करता है। और अब तक तो वेब हीटर भी स्टेडियम में आ चुका था जिसकी वजह से स्टेडियम की सेफ्टी ग्लासेस टूटने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वेब हीटर से किसी की जान जाती, फेलो वहां से सभी लोगों को एस्केप कर देता है और देखते ही देखते पूरे स्टेडियम से आधुनिक मशीनें निकलने लगती है जो वेब हीटर को चारों तरफ से जकड़ लेती है। इसके बाद हम एक कपल की सीप को देखते हैं जिसको जहरीले तनों ने पकड़ रखा होता है और जब ये नताशा देखती है तो वो उस जगह पर पहुंच जाती है और वो उन्हें उस टहनी से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो जहरीली टहनी एक एक करके कंट्रोलर डिवाइस को तोड़ना शुरू कर देती है जिससे वेब हीटर पर से उसका कंट्रोल छूटने लगता है और चेनो इस मौके का फायदा उठाकर वेब हीटर को आजाद कर देता है और वो वहाँ चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी एक अमेजोनियन वेब हीटर को एक किक करती है जिससे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो नताशा की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो नताशा को हिट करता, एंटोनी नताशा को वहाँ से लेकर निकल जाता है और वेब हीटर के हिट से उस कपल का सिप भी छूट जाती है और वो किसी तरह बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं। अब एंटोनी नताशा की जान बचाने के बाद अपनी तरफ आ रही वेब हीटर पर लगातार 3 बार अटैक करता है और इससे पहले कि वो 5वां अटैक करता वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन नताशा उसे बीच में ही कैच करके नीचे आ जाती है। वेब हीटर अभी भी चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। तभी पेले जो कि पृथ्वी की टीम से खेलता था वो उस वेब हीटर पर एक आखिरी गोल करता है और इस प्रकार वो डीएक्टिवेट हो जाता है जिसे देखकर चेनो बहुत दुखी होता है। इसके बाद फेलो एंटोनी के पास आते हैं और वो एंटोनी को बिल्कुल सही देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि एंटोनी ने लगातार 3 बार वेब हीटर पर किक किया था लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद एंटोनी अपनी डिवाइस जो कि एंटोनी के डीएनए से बना होता है और वो एंटोनी को अपना पार्टनर समझता है, उसे एंटोनी एक हाईटेक दीवार में लॉक करके वहां से निकल जाता है और वो सीधे आनिया के पास पहुंचता है। लेकिन इससे पहले कि वो आनिया से कुछ पूछता, आनिया एंटोनी पर एक गैस स्प्रेड कर देती है जिससे एंटोनी की बॉडी काम करना बंद कर देती है और वो एक पुतले की भांति चुपचाप खड़ा होता है। इसके बाद आनिया अपने असली रूप में आती है और वो एंटोनी को सारी बातें बता देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोनी के डिवाइस को देखते हैं जो दीवार को चीर कर वहां से एंटोनी की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एंटोनी की जान खतरे में है। उधर वेलाया एंटोनी को मारकर उसके प्रोटोजीन को हासिल कर लेती है और वो उसे अपने फादर को भेजकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद चेनो एंटोनी के प्रोटोजीन से एक बार फिर से उस सीरम को बना लेता है और जब वो उस सीरम को अपने एक्सपेरिमेंटल एग में लगाता है तो देखते ही देखते उसमें से बहुत बड़ा सा जीव निकल आता है। दूसरी तरफ हम एंटोनी की डिवाइस को देखते हैं जो किसी तरह एंटोनी के पास पहुंच जाता है और जब वो एंटोनी को जमीन पर पड़ा देखता है तो वो अपनी पावर की मदद से एंटोनी को ठीक कर देता है, लेकिन अपनी पावर एंटोनी को देने की वजह से वो डीएक्टिवेट होकर वहीं गिर जाता है। आगे हम चेरनो को देखते हैं जो उस बड़े से जीव के अंदर चला जाता है और वो उसके अंदर से ही उसे कंट्रोल करने लगता है। इधर जब फेलो और नताशा एंटोनी के पास आते हैं तो फेलो को पता चल जाता है कि इस जगह से चेरनो के लिए काम किया जाता था और स्टेडियम में जहरीली लकड़ी भी किसी और ने नहीं बल्कि एंटोनी ने रखा था और उनके पूछने पर एंटोनी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि फेलो समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा था, फेलो को चेनो का एक होलोग्राफिक मैसेज दिखता है जिसमें वो उससे बोलता है कि मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ और इस बार वो उसे रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद फेलो सभी योद्धाओं को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और नताशा भी एंटोनी को उसका डिवाइस देते हुए कहती है कि इसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी और वो एंटोनी के डिवाइस को देकर वहाँ से निकल जाती है। अब जब फेलो बाहर आता है तो वो देखता है कि चेरनो द्वारा बनाया गया जीव पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। इसके बाद वो सभी प्लेयर को रेडी रहने के लिए बोलकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम चेरनो द्वारा बनाए गए उस जीव को देखते हैं जिसे चेरनो वेब हीटर बॉल को बना रहा होता है। अगले सीन में हम फेलो को देखते हैं जो पूरे पृथ्वीवासियों को पूरी सच्चाई बता देता है कि जिसे वो गेम समझ रहे थे वो कोई खेल नहीं बल्कि चेरनो द्वारा बनाया गया वेब हीटर है जो जल्द ही पूरी पृथ्वी पर किसी बारिश की बूंदों की तरह गिरने वाला है जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो चिंता ना करे, वो उसके साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बार फिर से चेनो को हरा देंगे। फेलो की बात सुनकर सभी लोग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। इधर एंटोनी अपने द्वारा की गई गलतियों से बहुत दुखी होता है और वो अपनी डिवाइस के साथ अपने घर पर ही लेटा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है जो उसे समझाती है कि आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। गलतियाँ तो हर किसी से होती है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। इसके बाद हम फेलो को देखते हैं जो गैलेक्टिक काउंसिल को चेरनो के द्वारा बनाए गए बायो वेपन के बारे में बताता है और उनसे मदद मांगता है। चेरनो अपने बायो वेपन की मदद से बहुत सारे वेब हीटर बॉल को पृथ्वी की तरफ छोड़ देता है जिसे पृथ्वी के प्लेयर किक करके डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हम चेरनो के बायो वेपन को देखते हैं
जिसे गैलेक्टिक काउंसिल की आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होते हैं और चेरनो अपने बायो वेपन की मदद से एक एक करके सभी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर फेलो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेलो के टीम मेंबर्स को देखते हैं जो वेब हीटर को किक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में फेल हो रहे थे क्योंकि वेब हीटर बॉल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और इसीलिए पूरे शहर में अब तबाही शुरू हो जाती है। एंटोनी भी शहर में हो रहे तबाही को देखकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो पहली बार अपनी डिवाइस से बात करता है जिसका नाम वो मोगली रखता है और वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो अपनी डिवाइस को उसका इंतजार करने के लिए बोलकर वहां से निकल जाता है और बाहर जाकर लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे और एंटोनी की मॉम भी उस पुलिस वाले के साथ जो स्टार्टिंग से ही एंटोनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था वहां से निकल जाती है और एक सेफ जगह जाकर छिप जाती है। अब एक बार जब एंटोनी वेब हीटर बॉल्स को किक करके डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो एक बॉल से टकरा जाता है और दूर जाकर गिरता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता है और उसकी पूरी बॉडी में आग की लपटें दौड़ रही होती है कि तभी वहां पर उसका डिवाइस मोगली भी आ जाता है जो खुद को रिपेयर करके एक बार फिर से एंटोनी के साथ जुड़ जाता है और उसे एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है जिसे देखकर एंटोनी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम फेलो को देखते हैं जो नताशा के साथ शिप में होते हैं। इधर एंटोनी अपने डिवाइस के साथ जुड़कर एक एक करके सभी वेब हीटर बॉल्स को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। और अगले सीन में हम फेलो को देखते हैं जो नताशा के साथ चेरनो के बायो वेपन के अंदर आ जाता है, जिसके बाद चेरनो और फेलो के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब फेलो जीतने ही वाला होता है कि तभी चेरनो की बेटी फेलो पर वही गैस स्प्रेड कर देती है जिससे फेलो की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। दूसरी तरफ हम अर्थ का सीन देखते हैं जहां पर एंटोनी की मॉम पुलिस वाले के साथ होती है कि तभी पुलिसमैन लोगों को बचाने के लिए वहां से बाहर जाने लगते हैं और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि एंटोनी के डैड होते हैं जिनके बारे में एंटोनी को कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद हम चेरनो को देखते हैं जो फेलो को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एंटोनी आ जाता है जो चेरनो की बेटी को अपने कब्जे में ले लेता है और फेलो को छोड़ने को कहता है, लेकिन चेरनो अपनी बेटी को ही मार देता है और एंटोनी को कैद कर लेता है। इसके बाद वो फेलो को भी मार देता है। यहाँ पर आनिया एंटोनी को बताती है कि तुम जिस जीव के अंदर हो वो तुम्हारे ही प्रोटोजीन से बना है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश करो, उसे फील करो। उसके बाद एंटोनी ऐसा ही करता है और वो देखते ही देखते उस जीव के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है, जहाँ पर एंटोनी को पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जो एंटोनी के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन चेरनो इसे कंट्रोल करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और तभी चेरनो उस जीव को कंट्रोल करके एंटोनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो जीव चेरनो के कंट्रोल में नहीं आता है और वो अपने अंदर ही चेरनो को जलाकर मार डालता है। चेरनो के मरते ही शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहे वेब हीटर बॉल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा शहर तबाह होने से बच जाता है। इसके बाद नताशा को अर्थ काउंसिल का हेड बना दिया जाता है और एंटोनी अपने बायोमेट्रिक जीव की मदद से चांद को वापस जोड़ देता है और वो अपने मॉम डैड नताशा और उस बायोमेट्रिक जीव के साथ खुशी से रहने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।